तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को फॉल सेलिंग का जो मटेरियल आती है उस मटेरियल को आप लोगों को क्या क्या नाम होता है काफी भाई लोगों को पता नहीं है, तो इस वीडियो में पूरा मटेरियल का नाम पूरा आप लोगों को डिटेल के साथ हम बताएंगे और एक एक सामान के बारे में आप लोग को बताएंगे कि कौन सामान कहाँ यूज होता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए आप लोग मटेरियल के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए इसमें जो मेन जो आइटम लगती है उसके बारे में आप लोग को हम बता देते हैं, दिखा देते हैं पूरा आइटम। तो सबसे पहले ये तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा साला, ये सब मतलब मेन हो चाहे क्रास हो दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है। इस वजह से देख लीजिए ये आता है मेन, ये है मेन। अभी जो पूरा पहले मतलब बिल्कुल सिंपल में था, अभी जो है डिजाइनिंग में आ गया है, इसके कारण जो है आप लोगों को दिखने में थोड़ा मतलब पूरा आसान दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। तो देख लीजिए मेन है, ये देख सकते हैं, ये मेन का साइज आप लोगों को बताते हैं। तो ये 1.5 इंची में है, ये देख सकते हैं ये 1.5 इंची का है। इसका थिकनेस की बात करें तो थिकनेस का ये 1 इंची से कम है, मतलब आधा इंची समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आधा इंची प्लस 1.5 इंची है, ठीक है। ये हो गया आपका मेन, और दूसरा आ गया क्रास। आप लोग क्रास भी दिखा देते हैं, ये है क्रास। क्रास भी सेम उसी का मतलब कंपनी का, एक ही कंपनी का है, तो ये कलर भी उसका सेम ही है। ये देखिए 2 इंच में है, 2 इंच से थोड़ी ज्यादा है क्रास, इधर से नाप लीजिए, इधर से 1 इंच से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्रास मतलब इस साइज में, और ये है एल पत्ती भी देख सकते हैं, एल पत्ती भी सेम ही है, मतलब एक ही मटेरियल का सारा है कुछ है, लेकिन है बड़ा बढ़िया है। एल पत्ती देखिए 1x1 का है, 1 इंच इधर भी है 1 इंच इधर भी है, ये एल पत्ती हो गया। चलिए ये तो समझ गए आप लोग, ये मेन हो गया, ये क्रास हो गया, और ये एल पत्ती हो गया, ठीक है। ये तीनों आइटम आ गया आप लोगों को देख सकते हैं। और आप आइए इधर, और जो छोटे छोटे कंपोनेंट जो लगते हैं उसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। ये हो गया, आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गया आपका फास्टनर, ठीक है। जो छत में लगाया जाता है, जो सुराख किए हैं, जो 12 mm के बीट से सुराख किया है, ये 12 mm के बीट है, जो इस बीट से 12 mm के बीट से सुराख किया करते हैं उसमें ये लगाया जाता है, ठीक है। इसका साइज की बात करें तो ये पीतल का है, और साइज की बात करें तो इसको नापो तो भाई कितना इंच का है, 2.5 इंच का है, बिल्कुल 2.5 इंच है, 3 इंच से थोड़ा सा कम है, मतलब 2.5 इंच है, देख लीजिए इधर से देख लीजिए, 2.5 इंच का है बिल्कुल, ठीक है। तो 2.5 इंच वाला है, और देख सकते हैं आप स्क्रू जो पेच है, पेच जो हम लगाते हैं कितना इंच का है, पेच थोड़ा नाप लीजिए, मान नापो तो 1 इंच में आएगा मेरे ख्याल से, इस पे नापो, इसमें फिर रख के दिखाओ भाई लोगों को, पेच तो 1 इंच से थोड़ी सी छोट है, मतलब 1 इंच मैक्सिमम इसको मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी और कील है, और इसके साथ गट्टी लगती है, गट्टी भी दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए गट्टी। पहले जो साइड में पट्टा लगता है, पट्टा को सुराख जो पहले 6 mm के बीट से सुराख करके, और पट्टे में ये मतलब पहले ठोक के फिर उसके बाद से क्रास रख के इसके पेच के किल के साथ उसमें लगाते हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा आइटम था आप लोगों को दिखाया हमने। बाकी इसमें आप लोगों को वाशर लगता है, जाली लगता है, तो वो आइटम आप लोगों को पता ही है। अभी वाशर जो जाली है अभी नीचे पड़ा है, तो मतलब वाशर मिल जाएगा आप लोग को, वाशर दिखा देते हैं, वाशर आ गया। तो यही सब था आइटम दोस्तों आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को जरूर पता हो गया होगा कौन सा सामान कहाँ लगता है, ठीक है।